ये स्कूल में आने वाला है, नहीं पढ़ा होता स्कूल का एग्जाम जरूरी है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी तुम लोग। देखो तो ऐसा है, बात करते हैं कि चक्कर क्या है। तो लाइट जो है, कहानी यहीं से शुरू होती है, लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट की कहानी बड़ी बेमिसाल है। कुछ लोग कहते थे कि लाइट क्या है, आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि लाइट क्या है, वेव। अब लाइट को पार्टिकल कहने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? सबसे पहले लाइट को पार्टिकल किसने बताया? न्यूटन। किसने बताया? न्यूटन। न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल है। लेकिन कोई थ्योरी नहीं बताया, खाली कहानी बना दिए कि लाइट जो है वो कॉर्पस से बना है। किससे बना है? मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल। देखो पैकेट नहीं है, स्मॉल एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, पार्टिकल कॉल्ड एज कॉर्पस, कॉर्पस, कॉर्पस ऑफ थ्योरी भी सुन बोलते हैं। न्यूटन ने कहा था, है ना, न्यूटन ने सबसे पहले थ्योरी है न्यूटन, बट बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि लाइट वेव है। इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, नाम तुम लोग सुने होगे, नहीं भी सुने होगे तो उनका नाम था हाइजन। हाइजन, हाइजन ये कहते थे, यही है कि इन्होंने कहा कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस शो करता। क्या शो करता है? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लाइट जो है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करता है। क्या क्या शो करता है? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो होता है ये टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किसका प्रॉपर्टी है बताओ? टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव, टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेव है, ये वेव का प्रॉपर्टी होता है। पर्टिकुलर का इसका मतलब नहीं। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जुड़ जाना। इंटरफेरेंस का सिंपली मतलब होता है जुड़ जाना, जुड़ जाना, जुड़ जाना, इंटरफेयर कर जाना, मतलब जुड़ जाना या घट जाना ना, इंटरफेयर, जुड़ जाना या घट जाना, घट जाना, इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेयर करेंगे तो या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। बोलो जी, इंटरफेरेंस का क्या मतलब होगा बताओ? बताओ यार, इंटरफेयर कर दिए, इंटरफेयर का क्या मतलब? या तो सही, या तो उसको बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, यही ना। बोलो बोलो, इंटरफेयर कर रहे हैं किसी मैटर में, इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? इधर सपोर्ट करना, इधर अपोज करना। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है जुड़ जाना या घट जाना। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है फैल जाना, फैल जाना, फैल जाना, फैल जाना, फैल फैल जाना, फैल जाना, डिफ्रैक्ट, फैल गया। जैसे मुझे बताओ लाइट की बात, एक कमरा में एक बॉल जलाएंगे तब ज्यादा रोशनी होगा कि दो बॉल जलाएंगे तब ज्यादा रोशनी होगा? बोलो दो बॉल, दो बॉल जलाने से ज्यादा रोशनी हुआ, मतलब इंटरफेयर किया ना, दोनों की रोशनी, दोनों की एनर्जी आपस में जुड़ी कि नहीं जुड़ी? बोलो, उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो लाइट की, लाइट जो है उसमें वेव की प्रॉपर्टी होती है, उसकी एनर्जी इंटेंसिटी होता है, ज्यादा बल्ब जलाएंगे ज्यादा, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्टर, फैल जाना। अब लाइट बल्ब जलेगा तो सीधे रोशनी आएगा कि हर तरफ आएगा? अगर ऐसे हम यहाँ बल्ब जला दिए तो आगे दिखेगा, पीछे दिखेगा कि हर तरफ दिखेगा? बोल, हर तरफ, वही वही वही, दैट इज, दैट इज सिंपली डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट कर गया, पूरे पूरे फैल गया, समझ रहे, हर तरफ। तो ये साउंड, ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं बोलूंगा, वेव हर तरफ जाता है, मैं बोल रहा हूँ, साउंड वेव होता है, खाली आगे सुनाई देगा कि पीछे सुनाई देगा कि हर तरफ सुनाई देगा? हर तरफ। और अगर पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल ऐसे, पार्टिकल ऐसे, पार्टिकल मारेंगे पीछे तो पीछे लग जाएगा, आगे मारेंगे तो पीछे लग जाएगा। मालूम ऐसे मार दिया, कोई पीछे मारे खड़ा कर दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, सच बात की झूठ बात? बोलो, झूठ बात, झूठ बात, यही होता है, यही, दैट इज डिफ्रैक्शन।
पार्टिकल आगे मारोगे तो आगे ही जाए, आगे मारेंगे तो किधर जाएगा, आगे जाएगा। बोले बोलेंगे तो किधर जाएगा बोलो, आगे की पीछे की हर तरफ, तो लाइट हर तरफ जाता है, इसलिए लाइट क्या हुआ, पार्टिकल की वेव, बोलो वेव, तो वेव ये इंटरफेरेंस वही डिफ्रैक्शन, एक डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस जुड़ गया। अब बताओ है ना, अगर ओम ओम को जियारे से दुर्गा कुंड जाने में 2 मिनट लगता है, ओम दौड़ के जाता है जियारे से दुर्गा कुंड 2 मिनट, सुन रहा है कि नहीं, बोलो बोलो। और कौन है, और मान लो है ओम का एक आध और भी है, उनके सतो वाले नंबर याद नहीं, उनको प्रशांत है कौन है, जो भी है जो क्लास कर रहा है, मान लो कौन क्लास कर रहा है, आयुष खलकाओ, आयुष आयुष को लगता है 3 मिनट जियारे से दुर्गा कुंड जाने, दोनों को साथ से दौड़ा देंगे, एक ही मिनट में पहुंच जाएंगे दोनों, बोलिए बोलिए, दोनों को साथ में दौड़ाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे दोनों, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। लेकिन लेकिन दो बल्ब को जलाएंगे तो रोशनी कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी, तो यही इंटरफेरेंस है। अगर लाइट पार्टिकल होता तो एक बल्ब जलाओ चाहे दो बल्ब जलाओ, एक आदमी को दौड़ा चाहे दो आदमी को दौड़ाओ, जितना दौड़ाना दौड़ाओ, इससे पहले आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आयुष दौड़े चाहे कौन दौड़े, ओम को 2 मिनट लग रहा था 2 मिनट लगे, बोलो समझे नहीं समझे न। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दूसरा पहले में क्या होगा, इंटरफेयर करेगा, लेकिन पार्टिकल भी इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा, बोलो बोलो। आयुष दौड़ रहा है, आयुष दौड़ रहा है, मनोरंजन दौड़ रहा है, जितेंद्र दौड़ रहा है, उससे ओम को क्या फर्क पड़ने वाला, ये सब दौड़ेंगे तो ओम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन लाइट में फर्क पड़ेगा, 3 बल्ब जलाओगे तो ज्यादा रोशनी, 2 बल्ब जलाओगे तो कम, मतलब मिला मिला के लाइट की प्रॉपर्टी थी, जो लाइट की प्रॉपर्टी थी वो किससे मैच कर रही थी बताओ, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की, कैसे समझा दिए, तो इसलिए लाइट को क्या कहा गया बोलो, तो ये हाइजन ने कहा, हाइजन ने कहा कि नहीं ये गलत, न्यूटन इज रॉन्ग, आई एम राइट, राइट इज, उसके बाद इसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, इसी प्रॉपर्टी को सपोर्ट में कर रहा है, उनका नाम सुने हो ना, मैक्सवेल, मैक्सवेल छक्का मारने वाला, ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, दूसरा मैक्सवेल, मैक्सवेल का है कि लाइट वेव तो ये है, कैसा वेव है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसा वेव है, इलेक्ट्रो ईएम वेव, बढ़े ना जी नहीं पढ़े हो, मैक्सवेल कौन सा, मैक्सवेल, मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तो पढ़े होगे तुम लोग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाई में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी होगी, ये सब पढ़े होगे, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, वेलोसिटी होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और इन्होंने लाइट का स्पीड ही बताया था, इन्होंने ही बताया था कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10 की पावर, ये मैक्सवेल ने बताया, तो मिला जुला के सब लोग लाइट को क्या मानने लगे, तो बताइए क्या मानने लगे, वेव मानने लगे, क्योंकि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन है जो कह रहा है, हाइजन है वो मैक्सवेल है, तो और बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पीड स्पीड कम निकाल दिया, तो लाइट को वेव माना जा रहा है ना, तो करीब करीब 1900 के स्टार्टिंग में सब लोग लाइट को वेव माने, बट कहानी में ट्विस्ट आया, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, बेटा इसको लिखे कि नहीं लिखे बोलो, यस लिख दिया, यस सर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था, ट्विस्ट इसलिए बाकी था कि फिर उसके बाद कौन आए, जो सबसे प्रचलित थ्योरी है लाइट का, तुम लोगों ने सुना होगा, लाइन नाम सुना कि नहीं सुना, बोलो लाइन, लाइन का है, लाइन, उसके बाद लाइन का है, प्लैंक थ्योरी, अब प्लैंक ने क्या कहा, ड्यूअल बिहेवियर, क्या बोलो बोलो, ड्यूअल नेचर की बात की, क्या सर सर कर रहे हो, आगे बोलोगे, खाली सर सर कर रहे हो, आगे बोलोगे नहीं बोलोगे, सर मुझे बताया ना अभी, क्या बताया सर, तो फिर से वो बता देना,
अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है प्लैंक का, ये मैं नहीं सोच रहा पूरा बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, कभी बाद में बता देंगे डिटेल में, ऐसा है कि पूरा बताएंगे तो हम ब्लैक बोर्ड नहीं बता पाएंगे ना, रह जाएंगे धीरे सब टॉपिक एक क्लास का ही। भले भी याद रखो कि मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें एनसीईआरटी पढ़ो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड वाई में, और दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ये मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट। सर उसमें ऑसिलेटिंग पार्टिकल करके भी कॉन्सेप्ट जोड़ा था सर उस डेफिनेशन। अरे वही ऑसिलेटिंग है तो ऑसिलेटिंग होता है, अब वेव है तो ऑसिलेट ना करेगा, वेव दिखा वेव का क्या मतलब होता है, ऑसिलेटिंग है ना होता है मतलब, यस सर स्टैटिक थोड़े होगा, उसको बोलने के लिए ऐसे बोल देता है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, वेव तो ऑसिलेट तो करवे करेगा उसमें क्या, ठीक है, लेकिन होता वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और दोनों के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट, बस इतने याद रखना है, ठीक है। अब तमाशा देखो, प्लैंक ने बोल दिया ड्यूअल नेचर, और इसने कहा कि ड्यूअल नेचर है, और जो एनर्जी ऑफ लाइट होती है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, देखो कौन कौन सा फैक्टर, इन्होंने एनर्जी ऑफ लाइट पढ़ा होगा, तुम लोग कहो एनर्जी ऑफ सोर्स क्या बताया थे, इसकी भी सोर्स की एनर्जी कितनी होगी बताओ, पढ़े होगे ना इसका, ज्यादा मैं इसका थ्योरी नहीं बता रहा हूँ क्या क्या बताया थे ना, बस डायरेक्ट यही सब बता दो, एनर्जी ऑफ सोर्स पढ़े हुए नहीं पढ़ो, एन एस टी बाई लेमडा, बोलो जी, yes, तो जो लेमडा है लेमडा क्या होता है, या इसी को एन एच म्यू कह सकते हैं, बोलो बोलो, yes, तो लेमडा क्या होता है बताओ, लेंथ होता है नहीं होता, तो ये जो है ये जो टर्म है ये लेमडा या एच टी बाई लेमडा या एच म्यू, ये टर्म किसको सपोर्ट कर रहा है, ये टर्म किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन से नेचर को, वेव नेचर, वेव नेचर, लेकिन जो एन लगा दिए एन एन ये किसको सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर, भाई नंबर किसका होता है, वेव का नंबर होता है कि पार्टिकल का नंबर होता है, एक दो चार किसका नंबर होता है, बोलो बोलो जी, पार्टिकल का नंबर होगा, यस वेव 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 को गिने जाएंगे, एक वेव दो वेव तीन वेव चार, पार्टिकल नेचर होगा तब ना, वन टू थ्री एन तो नंबर ऑफ नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये जो है इन्होंने इस तरह का फार्मूला दिया है, किसी भी लाइट सोर्स की एनर्जी एनएससी बाय लैम्डा होती है, मतलब किस किस पे डिपेंड करती है, वेव है इसमें कोई डाउट नहीं, वेव है तब ना वेवलेंथ आया, वेव का वेवलेंथ होता है, लेकिन साथ में उसमें कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर, उन्होंने दोनों को सपोर्ट, तुमसे पूछेगी अच्छा बहुत बढ़िया कहानी बना दी तुम, तो कहानियां तो तुम्हारा जबरदस्त है, क्या कहानी बनाई है तुम, ड्यूअल नेचर है तो हई है तो हऊ है, तो पूछेंगे ना कि कहानी कहाँ से आया, कहानी कहाँ से आया तुम्हारा बताओ, जैसे सब सब इसके पीछे पड़ गए बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये है वो है, कहाँ से आया कहानी, कैसे बताया तुम, उसने कहा कि जाओ बच्चों पढ़ो, पहले पढ़ो क्या क्या पढ़ो, ई ई पढ़ो, क्या पढ़ो, ई पी का मतलब समझ रहे हो, फोटो, क्या पढ़ो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो, क्या पढ़ के आओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो, फिर कहे कि क्या पढ़ के आओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ो, क्या पढ़ो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ो, ठीक है, फिर क्या पढ़ो, हीट कैपेसिटी पढ़ो, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ मैटर, चलो खैर इसके बारे में तो एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन इन दोनों के बारे में जिक्र किया, कि ये तीनों पढ़ो साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि ये चारों पढ़ो, जब ये चारों तुम पढ़ लोगे तो चोर तुम भी क्या बोलना शुरू कर दोगे, कि लाइट क्या है, कैसा नेचर है लाइट के पास, रीजन ये है कि जैसे डिफ्रैक्शन है इंटरफेरेंस है वो किसको सपोर्ट करते थे, कौन से थ्योरी को, बोलो वेव, कौन से थ्योरी, वेव नेचर, तो ये और ये चारों किसको सपोर्ट करते हैं, कौन से नेचर को, पार्टिकल नेचर, ये कौन से नेचर को सपोर्ट करते हैं, पार्टिकल, बताइए, तो आपने वेव नेचर है किससे प्रूफ किया, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन से,
पार्टिकल नेचर आपने किससे प्रूफ किया इन चारों से, तो बताइए अब उसको क्या कहेंगे, बताइए पार्टिकल कहेंगे कि वेव कहेंगे कि दोनों का सर। यही कहानी है, समझ गए, यही कहानी है कि लाइट की वजह से कहानी शुरू हुई थी, बैंक ने उसको ड्यूअल नेचर कर दिया, उन्होंने इस तरह से लिख दिया एल एस सी लैम्डा होता है भाई, ये वेव नेचर का टर्म है जो लैम्डा वेव नेचर से लिखना है, लेकिन एन जो लगाए हैं वो किससे लिखे हैं पार्टिकल नेचर से लिखे, ठीक है। तो अब इसी के लिए आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप पढ़ चुके हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आखिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है और इससे कैसे हमें क्या पता चलता है, कौन से नेचर के बारे में, कौन से नेचर के बारे में, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, समझे कि नहीं समझे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमें क्यों पढ़ना होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका मतलब है पढ़ने का, बोलो बोलो, ताकि लाइट के कौन से नेचर को प्रूफ किया जा सके, बोलो पार्टिकल नेचर, तो यही है, यही इसका खासियत है, इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना होता है और यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो हेडिंग बना लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समझ गया ना क्या जरूरत है, कहाँ से आया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्यों पढ़ना है, बोलो। यस सर। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट बेसिकली किसको सपोर्ट करता है, बताओ जी, किसको सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर को, पार्टिकल नेचर, सपोर्ट पार्टिकल नेचर, सपोर्ट पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बताइए। अब कैसे सपोर्ट करता है, तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एक चीज, पहले ब्लैक बॉडी क्या होता है, व्हाट इज ब्लैक, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी वो होता है जो वेरी गुड एब्जॉर्बर या वेरी गुड इमिटर, वेरी गुड एब्जॉर्बर होता है, वेरी गुड एब्जॉर्बर, वेरी गुड एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्बर एंड इमीटर ऑफ लाइट, लाइट मतलब ये अपने पे जितनी लाइट इससे गिरेगी सारी लाइट पे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट, LIGHT लाइट falls on it or it release भी कर सकते हो, it released all light, it released all light, all होगा ना, all light, all type लिखिए, all light, all type of light, all light, समझ गया कि नहीं समझ गया, black body क्या होता है जो सारे लाइट को क्या कर सके, बताओ, एब्जॉर्ब या इमिट कर सके, इमिट भी कर सके, दोनों करता, वेरी गुड एब्जॉर्बर एंड इमिटर, हाँ बोलो बोलो, पूरा एब्जॉर्ब करेगा तो एमिट कहाँ से करेगा, अरे तो एब्जॉर्ब करने के बाद इमिट करेगा, तुरंत थोड़े करेगा, जैसे मुझे बताओ, ये बताओ सबसे ज्यादा गर्मी कब लगती है कमरे में, बताओ तो, शाम को 6 बजे कमरे में, शाम को 6 बजे ज्यादा गर्मी लगती है कि दिन के 12 बजे ज्यादा गर्मी लगती है, बताओ तो, कमरे के अंदर बात कर रहा हूँ, छत नहीं बात कर रहा हूँ, कमरे के अंदर, आप बताओ तो तानिया कब ज्यादा गर्मी लगती है, बताओ तो, दिन के 12 बजे की शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे कमरे में, बोलो सर, दोपहर में नहीं, हो ही सकता है, शोर हो तुम लोग ना, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन में 12 बजे तुम्हारे कमरे में गर्मी कम लगती है, 10-11 बजे गर्मी कम लगती है और शाम को 5-6 बजे गर्मी ज्यादा लगती है, जो ऐसा नहीं कि मौसम ठंडा हो गया तब की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहा है, इन्हें लगा हवा चल, बातें खत्म, है ना, मैं कह रहा हूँ आप में दिन में दोपहर में गर्मी कम लगती होगी, आप आराम से सो सकते हैं, शाम को नहीं सो सकते हैं, ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा बेचैनी, रीजन जानते हैं क्या है, पहले आपका दीवार गर्म होता है, बाद में दीवार ठंडा होता है, तो रीजन ठंडा होता है, बताओ
एनर्जी निकालता है, समझे। तो जब तुम रात को या शाम को 6-7 बजे अपने कमरे में बैठे हो, तो बेसिकली कमरे में बैठे हो, धूप में बैठे हो, धूप में बैठे हो, ये अलग बात है कि तुम उस धूप को देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, बोलो। नो सर, नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि विजिबल रेंज नहीं होता, इंफ्रारेड होता, ऐसा होता है इंफ्रारेड। एक्चुअली आप जब 7 बजे 6 बजे कमरे बैठे हैं तो लगातार आपके धूप गिर रही है, रोशनी लगातार आपके रेडिएशन गिर रहा है। कौन रेडिएशन गिरा रहा है बताइए? दीवार जो गर्म हो चुका है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठंडा किसे होगा भाई, लाइट उधर से गिरा और इससे दीवार गर्म हो गया, दीवार गर्म हो जाता है ना, दीवार गर्म होता नहीं होता, बोलो हमारा का दुपरीवा में, तो ठंडा किसे होगा बताओ? खाली गर्म रहोगे कि ठंडा भी होगा? तो जब लाइट गिर के गर्म होगा तो ठंडा होने के लिए लाइट निकालेगा ना कि नहीं निकालेगा, बोलो बोलो बोलो। तो जब निकालेगा निकालेगा तो जो उसके सामने आएगा उसमें गिरेगा, तो आप फील कीजिएगा शाम को 7-8 बजे ज्यादा गर्मी कमरे में लगती है। ठंडे मौसम की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल मौसम दैन दिन के 11-12, क्योंकि दिन के 11-12 बजे तक तो कोई एब्जॉर्ब करता है बाहर से ना, और फिर धीरे धीरे इमिट करना शुरू करता है, फिर सुबह होते होते एकदम ठंडा हो जाता है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहा है? बोलिए। तो ये होता है, इसीलिए शाम को ज्यादा गर्मी लगती है कमरे में। चलिए खैर, इसलिए आदमी को मन करता है छत पे चले जाए, कहने को प्रिया मन करता है छत पे चले, रीजन यही है। चलिए खैर, तो बात करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का यही कॉन्सेप्ट है, है ना। अब देखो मैं कह रहा हूँ, पहले ब्लैक बॉडी होता क्या है समझ लो, ये सारा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सारा लाइट को इमिट करेगा, जब एब्जॉर्ब करेगा तो सब, इमिट करेगा तो सब, इस चीज को याद रखना हमेशा। ब्लैक बॉडी की खासियत होती है, ब्लैक बॉडी कैसा है, दिखता कैसे है, जैसे दीवार में एक छेद कर दो पतला सा, दीवार में पतला सा छेद कर दो एकदम छोटा सा, किल किल टाइप का, बताओ किल, किल में किल का जो होल है हमेशा कैसा दिखाई देता, बोलो ब्लैक दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, बोलो किल का होल यार। यस यस सर, अगर सामने से रोशनी मारोगे किल, किल का एक होल कर दो छोटा, सामने से भी रोशनी मारोगे तब भी वहां कैसा दिखाई देगा, बोलो दिखाई देगा, बोलो। तो तुमको तुमको क्या लग रहा है कि पूरे में रोशनी जा रहा है, उसमें रोशनी नहीं जा रहा है? जा रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है बताओ, वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, यानी कि कैसा बिहेवियर शो कर रहा है बताओ, कौन से बॉडी का? ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। मैं कहना चाह रहा हूँ दीवार में एक छेद करो तो पतला सा, और सामने से टॉर्च मारो एकदम, सामने सटा के नहीं मारना एकदम, ऐसे टॉर्च मारो, अगल बगल का एरिया कैसा दिखाई देगा बोलो, व्हाइट, लेकिन छेदवा कैसा दिखाई देगा बोलो, ब्लैक। तो क्यों क्यों ब्लैक दिख रहा है बोल, उसमें रोशनी नहीं जा रही है क्या? सब में जाएगा तो उसमें नहीं जाएगा, उसमें तो ये रहा है, लेकिन फिर भी ब्लैक क्यों दिख रहा बोल, जितना गिरा सब एब्जॉर्ब कर लिया, तो कैसा बॉडी हो गया बोल, समझे क्या होता, समझे क्या होता ब्लैक बॉडी, नहीं समझे ये नहीं, जैसे लाइट आके टकरा के निकल जाएगा, टकरा के निकल गया तो नहीं एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लैक ये ब्लैक बॉडी होता है। चलिए खैर ठीक है, अब ब्लैक बॉडी बनाने के लिए तरीका क्या है, इसको आप समझ गए ब्लैक बॉडी होता कैसा कैसा बिहेवियर, अब कैसे बना सकते हैं ऊपर ब्लैक बॉडी, मिटाए इसको, ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी कैसे बनाया जाता है। तो आयरन का ले लीजिए, क्या ले लीजिए, आयरन, क्या ले लीजिए, आयरन, आयरन ले लीजिए, उसको खूब बढ़िया एकदम स्मूथ कर दीजिए, स्मूथ क्या कर दीजिए, एकदम स्मूथ कर दीजिए, स्मूथिंग एंड ग्रीसिंग, आयरन को स्मूथिंग कर दो और साथ में क्या कर दो, ग्रीसिंग, ग्रीसिंग, समझ गए जी, ये नहीं समझे बोलो, स्मूथिंग एंड ग्रीसिंग, उसको एकदम चिकना करके एकदम ना ग्रीस वूस लगा दो। तो आयरन कैसा बिहेवियर शो करता है बताइए, कौन से बॉडी का बिहेवियर शो करता है बताइए, कैसा हो जाता है, ब्लैक बॉडी, कैसा हो जाता है, ब्लैक बॉडी टाइप, ब्लैक बॉडी एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता दुनिया में 100%, लेकिन लगभग लगभग ब्लैक बॉडी, कोई भी सरफेस अगर एकदम चिकना हो गया पॉलिश कर दिए तो जब उस पर आप गिराएंगे लाइट तो कम चमकेगा कि ज्यादा चमकेगा, बोलो बोलो, ज्यादा चमकने का क्या मतलब है, लाइट को एब्जॉर्ब किया कि रिफ्लेक्ट कर दिया, बोलो रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी पूरा का पूरा इमिट कर दिया या तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो ज्यादा चमकता है कोई चीज एकदम ब्लैक आपको दिख रहा है एकदम पूरी तरह से एकदम ब्लैक, मतलब वहां लाइट गया तो भी बाहर आया कि सब खत्म हो गया, बोलो या तो एकदम एकदम खत्म या तो एकदम चमके, दो ही चीज ना हो सकता है, एकदम चमक रहा तब भी जितना लाइट गया सबको क्या किया बाहर देख दिया इमिट कर दिया सारा का सारा, समझ रहे, तो होता यही कॉन्सेप्ट है। तो चेहरे खरीब मारिए कि हमने कैसे बनाया,
बट अगर आयरन को हम स्मूथिंग ग्रीसिंग करते हैं तो वो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है बताइए, कैसा हो जाता है? ब्लैक बॉडी टाइप, लाइक ब्लैक बॉडी। जो भी आयरन का पीस देखते हो, आयरन का चिकना पीस, वो कौन से कलर का दिखता है बताओ तो? चिकना आयरन का पीस कैसा दिखता है बोलो? ब्लैक कलर, देखना देखना। ऐसा ऐसा नहीं कि तुम उसको ब्लैक कलर हम करते हैं, लेकिन आयरन का एकदम चिकना पीस रहेगा तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, चिकना नहीं रहेगा तो ब्लैक नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हो? एकदम चिकना पीस ब्लैक कलर का लगभग लगभग दिखाई देता है। समझ रहे हो बात को? बोलो। यस सर। इन हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। यूनिवर्स तो है, वो ब्लैक बॉडी टाइप है और ब्लैक बॉडी है। 100% ब्लैक बॉडी तो कुछ नहीं दुनिया मिलेगा ना, ऐसा 100% ऐसा कोई बॉडी बन जाए जो पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर ले, 100% इमिट कर दे, दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इम्पॉसिबल। समझे ना? 100% ब्लैक बॉडी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ लगभग लगभग जैसे 99% लाइट को इमिट कर लिया या 99% लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो ब्लैक बॉडी टाइप में, टाइप मतलब लगभग लगभग उसका बिहेवियर कैसा होगा बोलो, कैसा हो जाएगा? ब्लैक बॉडी से, ब्लैक बॉडी। लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी रहेगा कि नहीं एकदम 100%? बोलो। नो सर, आइडियल नहीं। वो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा भी ब्लैक बॉडी हो सकता है। किसका सर? मेरा ब्लैक बॉडी हो सकता है? तुम्हारा नहीं सर, मेरा। तुम्हारा कैसे ब्लैक बॉडी हो गया? मिरर सर। अच्छा, सीधा सीसा, सीसा। यस सर। सीसा सारा लाइट कहाँ एब्जॉर्ब करता है बताओ? कहाँ सारा रिफ्लेक्ट कर देता है, मैट कर देता है? नहीं समझ रहा हूँ ना, रिफ्लेक्ट देखो अलग अलग मैकेनिज्म होता है। बॉडी का तीन बिहेवियर होता है लाइट से इंटरेक्ट करता है। तो पहला बिहेवियर होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं? तो ब्लैक बॉडी का काम क्या है? एब्जॉर्ब करके तब इमिट करे, समझ गए? या एब्जॉर्ब भी करे और फिर रिफ्लेक्ट भी करे। लेकिन मिरर ऐसा काम नहीं करता, मिरर दो काम करता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन और बाकी क्या करता है? रिफ्लेक्शन, दोनों काम करता है मिरर। समझ रहे हो? बोलो। तो वो नहीं होगा ब्लैक बॉडी, समझे नहीं समझे? दो मैकेनिज्म को फॉलो करना आपको, पूरा पूरा एब्जॉर्प्शन और फिर पूरा पूरा रिफ्लेक्शन। लेकिन सीधा ऐसा काम नहीं करता, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन करवाता। तो ये सब पढ़े होगे ना, तीन तरह से मैटर इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ। चलो खैर, नोट मेरा पढ़ना है, लिखवा जाए। सर, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों होना चाहिए कि कोई एक होना चाहिए? अरे दोनों होगा यार, जब एब्जॉर्प्शन करेंगे तो बाद में इमिट करेंगे कि रख लेंगे? बोलो मुझे बताओ। मान लो हमने एब्जॉर्ब कर लिया तो बाद में इमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। यस सर। बोलो। ऐसा तो है कि खाली कोई भी चीज ऐसा देखो दुनिया में जो गर्म है, जिंदगी भर गर्म रहेगा, ठंडा होगा? बोलो। यस बोलो, ठंडा होगा ना। तो क्या होगा अगर इसका मतलब एक गुड एब्जॉर्बर इज ऑटोमेटिकली गुड, क्या होगा? इमिटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अगर अच्छे से आपने एब्जॉर्ब किया तो आपको इमिट करना पड़ेगा, नहीं एनर्जी रखेंगे कहाँ? एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ना जाता है, तो पढ़ेगा ना तुम लोग, एनर्जी आएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, जो भी है कहानी। चलो खैर, अभी बता रहा हूँ। तो ब्लैक बॉडी हमने बना लिया, अब देखो बात को समझे। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं आयरन को गर्म करो। देखो आयरन को हमने कौन सा बॉडी बना लिया है? ब्लैक बॉडी। कौन सा बॉडी बना लिया है? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी क्या होता है? कौन से लाइट को इमिट करेगा बताइए? एक लाइट की सब लाइट? बोलो। सब लाइट, इमिट्स ऑल लाइट, इमिट्स ऑल लाइट, सारे लाइट को इमिट करता है। यहीं पे कहानी फंसती है, इमिट्स ऑल लाइट, ऑल लाइट, एल आई जी एस की लाइट, सबको इमिट करेगा। इतना अच्छा इमिटर है कि सबको इमिट करेगा। अब मुझे आयरन लो और आयरन को गर्म करो, हीट करो। क्या करो? आयरन, चिकना आयरन लो, उसको ब्लैक बॉडी टाइप बनाओ, उसको गर्म करो। बताओ जब आयरन को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? बोलो। यस सर, चेंज होता है, रेड हो जाता है। आयरन को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो रेड हो जाएगा, थोड़ा और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा रेड, ग्रीन हो जाता है। समझ रहे हो? येलो, रेड, ग्रीन, ऐसा जो भी है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? चलो, तो रेड हो जाता है, आगे और बहुत गर्म करोगे तो ग्रीन टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो जब गैस का फ्लेम जलता है तो एकदम ग्रीन टाइप का। समझ रहे हो? तो चलो खैर, चलो जो भी कलर है, रेड कलर हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। चलो मान लेते आयरन रेड हो गया। तो जो बताइए आयरन जो है शुरू में ब्लैक कलर का, ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं होता। मान लीजिए बाद में हीट करने पे रेड हो गया, तो क्यों रेड हुआ? बोलो, क्यों रेड हुआ? अरे हीट किए, हीट जब हम हीट कर दिए, देखो होता क्या है, जब तुम हीट दोगे तो हीट देने के बाद
आयरन रेड कलर का होता है, क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि लाइट को क्या करेगा बताओ, वो कलर में क्यों दिखाई देता बताइए, गजब हो मतलब रेड कलर लाल कलर का है दिख रहा है, लाल कलर का क्यों दिख रहा है, रिफ्लेक्ट की बात मत करो, मतलब रिफ्लेक्ट गिरेगा तब ना, अभी सीधे बोलो इमिट कर रहा है, इमिट ना करेंगे ना, हम कहेंगे आयरन रेड कलर का दिखा, इसका मतलब कहो इससे कौन सी लाइट इमिट हो रही है बताओ, तो सीधे कहोगे इमिटिंग रेड लाइट, ये ना कहोगे जी, बोलो यस सर। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि आयरन कैसा बॉडी बन गया है, ब्लैक बॉडी, तो ये रेडे इमिट करेगा कि सब इमिट करेगा, बोलिए सब इमिट करेगा, येलो भी कर रहा है, ये एक्सरे भी कर रहा है, ये कौन से लाइट को इमिट कर रहा है बोलिए, ये दुनिया के हर लाइट को इमिट कर रहा है, समझ रहे हैं, इसलिए कि वेरी गुड इमिटर है, ब्लैक बॉडी सारे लाइट को इमिट करता है। तो जब आप ग्राफ बनाइएगा समझिएगा अच्छे से इंटेंसिटी का, और किसका ग्राफ बनाइएगा, समझ रहे इधर लेमडा का, समझ रहे बात को, ब्लैक बॉडी का मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ इस तरह से आता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बताया हुआ, कैसा ग्राफ बनाया बोलो, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल। अब इस ग्राफ को समझो, यही ग्राफ वाद एनसीईआरटी में दिया हुआ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, समझ गया जी, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, यहां देखो बच्चों, है ना, अब देखो ये कहता ये है कि मतलब ब्लैक बॉडी जब इमिट करेगा तो कौन सा लाइट इमिट कर रहा बोलो, एक वेवलेंथ का कि सब वेवलेंथ का बोलो, सब वेवलेंथ, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन से लाइट की है बताओ, कौन से लाइट की है, रेड की है, इसलिए आपको रेड कलर दिख रहा है, मतलब समझिए बात को कहना क्या चाह रहा है, क्यों रेड कलर दिखाई देता है, आप जैसे बताइए, मान लीजिए आपके स्कूल में चलता है, अलग अलग चलता है, मान लीजिए फ्राइडे को सब बच्चों को व्हाइट पहन के आने को कह दिया गया, तो सब बच्चे थोड़े व्हाइट पहनते हैं, दो चार को नालायक कुछ और पहन लेते हैं, लेकिन मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे ने व्हाइट पहना और दो बच्चे ने रेड पहना, तो क्लास कैसा दिखाई देगा, क्लास में क्या कहोगे, कौन से कलर का क्लास दिख रहा है बोलो, व्हाइट कलर, बट वहाँ व्हाइट ही होता है कि और भी कलर होता है बोलो, और भी होता है, और भी कलर, और भी होता, बट कौन सा कलर तुम्हें दिखाई देता है बोलो, व्हाइट, व्हाइट, समझे, वही बात है, देखो तो फिर से समझना मेरी बात को अच्छे से समझो, मैंने कहा कि आयरन रेड कलर का दिखाई दिया, इसका क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं बोलो, ज्यादा इंटेंसिटी का रेड लाइट इमिट हो रहा है, ना ना फिर तो सुनो, देखो आयरन अगर रेड कलर का दिखाई दिया तो मनोरंजन ने कहा कि आयरन रेड लाइट इमिट कर रहा, तो मैं तुरंत मनोरंजन को काट दूंगा कि नहीं मनोरंजन तुम रेड लाइट नहीं कर सकते हो, ब्लैक बॉडी रेड लाइट इमिट करता है कि सब लाइट इमिट करेगा बोलो, सब लाइट, सब येलो भी, एक्स भी, रेड भी, ब्लू भी, सब पूछेंगे बताओ मनोरंजन सब इमिट किया तो रेड काहे दिखाई दिया, क्या बोलोगे बोलो, इंटेंसिटी की बात मारो बोले, इंटेंसिटी का वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ मारेंगे, वेवलेंथ का, वेवलेंथ हर लाइट का फिक्स होता है, वेवलेंथ येलो सबका फिक्स, वेवलेंथ थोड़े ज्यादा, मुझे बताओ कोई भी क्लास तुमको बताओ क्लास व्हाइट क्यों दिखाई दिया, एक लड़का एकदम खूब चकचक व्हाइट पहन ले और बाकी 10 लोग जो है गंदा गंदा ग्रीन पहन ले, क्लास वा कैसा दिखाई देगा भाई बताइए, तो चकचक का व्हाइट दिखाई देगा कि नंबर से दिखाई देगा बताइए, कैसे दिखाई देगा बताइए, नंबर दिखाई देगा बताइए, आप मान लीजिए कि सारे बच्चों ने एकदम गंदा रेड कलर का टी शर्ट पहन रखा है, गंदा नॉर्मल टाइप, और एक बच्चा एकदम खूब चमचमुआ ग्रीन पहन लिया है, तो क्लास कैसा दिखाई देगा, चमचम ग्रीन दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा बोलो, क्यों क्यों बोलो, कलर कौन डिसाइड करेगा, नंबर, तो सीधी सी बात है, तो बात को समझो, तुमने आयरन को बना दिया, आयरन रेड कलर का हो गया, बोला कि आयरन जो है वो रेड दिखाई दे रहा, तो तुम कहोगे आयरन रेड निकाल रहा, तब कहेगा कि नहीं आयरन कौन सा कलर इमिट कर रहा बोलो, रेड की सब इमिट कर रहा, अब तब हम फिर भी रेड क्यों दिखाई दे रहा, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा, क्योंकि रेड का नंबर ज्यादा संख्या में निकल, बोलो मोड नंबर में निकल रहा है, ये नहीं कहोगे मोड नंबर में निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है, समझ रहे हो,
तो जहां तुमने मोर बोला, मोर नंबर बोला, फंसे कि नहीं फंसे, कौन से नेचर पे आए बताइए? पार्टिकल नेचर। कौन से नेचर पे? पार्टिकल नेचर। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए ब्लैक बोर्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ना होता। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ, इसका मतलब बताइए कौन से लाइट को निकाल रहा है बताइए ब्लैक बोर्ड? आयरन कौन से लाइट को निकाल रहा है बोलो? ये रेड है, इधर देखो, इधर इधर में लेमडा येल्लो लिख दिया, क्या लिख दिया? लेमडा येल्लो लाइट भी निकल रही है, रेड भी निकल, इधर देखो लेमडा इंफ्रारेड भी है, क्या इसमें इंफ्रारेड भी है, लेकिन लेकिन कलर तुम्हें कौन सा दिख रहा है बताओ? रेड। रेड क्यों क्यों क्यों? हाईएन ज्यादा, मोर नंबर ज्यादा। अब फिर अगला ग्राफ बनाते हैं, मान लो फिर ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया, समझ रहा हूँ, ऐसे ग्राफ बना दिया, मान लो यहाँ ने लेमडा ग्रीन लिख दिया, क्या लिख दिया? लेमडा ग्रीन, लेमडा ग्रीन, मैं समझा रहा हूँ बस, मान लो लेमडा ग्रीन मैंने लिख दिया, बताइए कौन से कलर को निकाल रहा है बताइए, ये लाइट कौन से कलर को निकाल रहा है? सब, लेकिन ग्रीन कलर क्यों दिखाई दिया बताइए, क्यों दिखाई दिया? समझे कि नहीं समझे बोलिए? यस नहीं समझे? तो बस आप, तो यही ग्राफ है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में देखिए मैं ग्राफ दोबारा बना दे रहा हूँ, अब साफ साफ समझ गया ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है। हाँ बोलो सर, नंबर ऑफ वेव्स की तो होता है, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, तो फिर हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल नंबर ऑफ वेव पर सेकंड थोड़ा होता है, नंबर ऑफ वेव होता है पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वेव का कहाँ कॉन्सेप्ट है जी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड होता है, कितना ऑसिलेशन हो रहा है एक सेकंड में, ऐसे उसी को ना एक वेव बोल देते हैं, एक वेव दो वेव है ना, ऑसिलेशन को ना बोलते हैं ना, पार्टिकल नेचर पे आते हैं। बोलो बोलो एक ऑसिलेशन को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को बोलते हैं, वेव को नहीं बोलते, नंबर वेव नहीं बोलते हैं, ऑसिलेशन को बोलते हैं, एक ऑसिलेशन होता है एक वेव, एक ऑसिलेशन ऐसे करके ऐसे हुआ ना, एक ऑसिलेशन एक वेव बन गया, ठीक है, एक वेव, फिर दूसरा ऑसिलेशन का कैसा वेव बन गया, दूसरा वेव, आया बात समझ में? तो हम इसको दिखाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो बोलो, वो दिखाने का तरीका होता है, मोर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया बताओ? मोर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मोर ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, दोनों को मिलाओ अलग चीज है वो, है ना। चलो खैर, साउंड वेव को मत बोलना कि साउंड वेव भी पार्टिकल होता है, नेचर होता है, साउंड वेव सिर्फ कौन सा नेचर होता है बताओ? वेव नेचर, ठीक है ना, लाइटें में होता है ड्यूअल नेचर, सब में नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, तो जो ग्राफ इंटेंसिटी का फिर से देखिए मैं बना दे रहा हूँ आप लोग, एक क्वेश्चन करेंगे बस आपको समझ में आ जाएगा, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ इंटेंसिटी का। चलिए भाई, ये मैंने लिख दिया लेमडा ग्रीन, ये मैंने लिख दिया लेमडा रेड, लेमडा रेड, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, और मैंने कर दिया T1 ग्रेटर देन, तो किसी को डाउट है? बोलो बोलो बोलो, अब तुम लोग क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, देखो विच कलर या विच कलर इज, ये ब्लैक बॉडी का विच कलर इज इमिटेड, इमिटेड एट टेम्परेचर T1, T1 पे कौन सा कलर इमिट हो रहा है? पहला ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा येल्लो, चौथा ऑल, बताओ। बताओ ग्राफ में बना दिया, मैं कह रहा हूँ कि कौन सा कलर T1 इमिट, कौन सा कलर हो रहा है बोलो, कौन सा कलर? ऑल निकल सब रहा है ना। अब अगर आपसे हमने ये पूछा, दूसरा पार्ट इसी में, दूसरा पार्ट इसी में लिख दे रहा हूं, विच कलर कलर इज इमिटिंग इमिटिंग इन मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, अब बताओ एट एट T2, T2 पे पूछ रहा हूं, T2 पे पहला
ग्रीन, दूसरा रेड, तीसरा येलो, चौथा नन। बताओ क्या होगा, बोलो कौन सा रेड होगा? रेड रेड। समझे कि नहीं समझे? यस बोलो। यस सर। क्लियर हो गया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसको सपोर्ट करता है बताओ, कौन से नेचर को? बताओ पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर, क्योंकि कौन से लाइट निकल रही है ब्लैक बॉडी से, बताइए कौन सा लाइट इमिट कर रहा है, बोलिए। ऑल टाइप ऑफ लाइट। ऑल टाइप। अब ये कोई कहेगा क्यू ऑल टाइप का निकला लाइट, ये डिफिनेशन है, किसका डिफिनेशन है बताइए? ब्लैक बॉडी होता ही कौन है, ब्लैक बॉडी कैसा लाइट इमिट करेगा, बोलिए कैसा इमिट करेगा? और तो जब सब इमिट किया फिर भी रेड क्यों दिखाई दिया, फिर भी रेड क्यों दिखाई दिया, ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा नंबर तो ही रखो। यहाँ पे इंटेंसिटी का अगर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटेंसिटी एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एनएससी वाई करता है। तो बताइए रेड कलर क्यों जीत गया, क्योंकि कौन वहां जाता है उसका? नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, मुझे क्या? ई रेड क्यों ज्यादा, क्योंकि क्या ज्यादा उसका? नंबर ज्यादा। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। यस सर। अगर हम इस टर्म को भूल जाते, लेमडा से प्रूफ करने जाते, तो कौनों जन में प्रूफ कर सकते हैं? लेमडा तो फिक्स न होता है, लेमडा तो हर लाइट का फिक्स न होता है, बोलो। यस सर। लेमडा तो हर लाइट का फिक्स होता है, तो हम कभी मान लीजिए नहीं लिखते, तो कौनों जन में प्रूफ कर सकते थे कि एनर्जी रेड का क्यों ज्यादा है, बोलो? कौनों जन में प्रूफ कर सकते हैं जी, बोलो। नो सर, नहीं कर पाए, इसीलिए उसने ब्लैक एन लिखा और देखा, कहा देखो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट करो, और कहा यो कैसा फैक्ट है बताइए, ये जो फैक्ट है, जो ग्राफ हम पीछे हैं ऐसे हर कलर का इमिट कर रहा है, कैसा ग्राफ है बताइए? थियोरेटिकल की एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट। तो अब लिमिट करता है, समझ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा ग्रीन आपको दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ब्लैक बॉडी का ग्राफ समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो बोलो। यस सर। तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा वही दिखाई था, बोलो सर। अगर इसमें रेड होके दिखाया नहीं होता तो सर इसमें येलो या फिर रेड दोनों में से कोई हो सकता था ना? किसमें? इसमें, इसमें सर T2 वाले में। अरे लिखेगा दिखाएगा तब ना, इसे कुछ ना कुछ तो दिखाएगा ना, मैक्सिमम एक बना रहेगा, मैक्सिमम पांच को थोड़े हो, मैक्सिमम एक ही होता है, इसका लिखेगा उसका कहेंगे मैक्सिमम एक बना होगा, सब थोड़े मैक्सिमम होगा। फिर से समझो, पहला सवाल है कौन कलर इमिट होगा, तो इसका आंसर क्या लगाओगे? ऑल। और कौन सा कलर का तुम्हें दिखाई देगा, ऋषि पूछता, विच कलर ऑब्जर्व एट T1, कौन सा कलर दिखेगा तब? कौन सा? ग्रीन। ग्रीन। समझे नहीं समझे? तो निकलेगा सब, दिखेगा कौन? जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या सबसे ज्यादा नंबर का होगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो। यस सर। तो इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे ब्लैंक ने कहा कि लाइट क्या है, पार्टिकल क्या है, पार्टिकल। फिर तुम लोग पढ़े होगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां भी आइंस्टीन ने कहा था कि लाइट क्या है, फोटोन से बना है, मतलब पार्टिकल है, समझे? तो आइंस्टीन ने कहा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने कहा, ब्लैक बॉडी ने कहा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने कहा कि लाइट पार्टिकल है, और उधर उधर जो मैक्सवेल वगैरह थे वो सब जमाए हुए थे कि क्या है, वेव है। तो अल्टीमेटली क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे तुम्हें बताओ, क्या कहोगे? पार्टिकल कहोगे, वेव कहोगे, कि दोनों कहना पड़ेगा, बोलो दोनों। तो इसीलिए हम लोग को ब्लैक बॉडी पढ़ना होता है, यही ब्लैक बॉडी का थ्योरी है। तो आप बताइए कीजिएगा कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, और हम पर्टिकुलर टेम्परेचर से ले जाते हैं, व्हेन आयरन मेक ब्लैक बॉडी हीटेड टू पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इमिट ऑल रेडिएशन, बट सिंगल कलर इज ऑब्जर्व। कौन सा रेडिएशन इमिट करता है? सारा, लेकिन कलर क्या दिखाई देता है? सिंगल, क्योंकि वही कलर हम ऑब्जर्व करते हैं जिसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। इसका क्लियर मतलब है कि लाइट जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो किसको सपोर्ट करता है, बोलो? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। तो सब लोगों को, सब लोगों को समझ में आ गया कि कोई डाउट होता पूछना तो? हाँ बोलो बोलो बोलो। पार्टिकल अगर जो पूरा मतलब कि पूरी लाइट जो जा रही है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है तो कोई कलर ट्रांसमिट करेगा नहीं, तो वो कलर दिखाई। अरे यार, तो गजब गजब हालचाल है,
मैं कह तो रहा हूँ कि एब्जॉर्ब करेगा तो सब करेगा, इमिट करेगा तो सब करेगा, तुरंत थोड़े करता है ना? या क्या करेगा, या क्या करेगा बोलो, एब्जॉर्ब या क्या करेगा, इमिट। आया बात समझ में? नहीं बात समझ में आया बोलो। अब आयरन को हमने हीट किया तो आयरन कौन से कलर का दिखा बोलो, कौन से कलर का बोलो? रेड। तो रेड कलर का क्यों देखा, क्या कहोगे, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कि लाइट इमिट कर रहा है बोलो? लाइट इमिट कर रहा है। इमिट कर रहा तो क्या कहोगे, रेड इमिट करेगा कि सब इमिट करेगा? सब। क्यों? क्योंकि कौन सा बॉडी है वो? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। तो फिर तो समझो, ये मत सोचो कि तुरंत गया तुरंत इमिट किया, ऐसे थोड़े होता है। या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो क्या करेगा, इमिट करेगा। समझे बात को? नहीं समझे बोलो। यस सर। नहीं कि तुरंत एब्जॉर्ब करके तुरंत इमिट कर सकते, ले भी दिया दे भी दिया तो कुछ होगा नहीं किया ना? पूरा एब्जॉर्ब करेगा, शुरू में पूरा एब्जॉर्ब करेगा और बाद में पूरा फिर क्या करेगा, इमिट। समझे कि नहीं समझे, क्या कर रहे हैं? या तो पूरा एब्जॉर्ब करेगा या तो पूरा इमिट करेगा, दोनों एक साथ नहीं होता। एब्जॉर्ब करेगा, पूरा एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा पहले, फिर ठंडा होने के लिए क्या करेगा बताओ? ठंडा होने के लिए इमिट करेगा, है ना? तो ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लैक बॉडी को रख दिया सन में और एक नॉर्मल बॉडी को रख दिया, ज्यादा कौन गर्म होगा बताइए? ज्यादा कौन गर्म होगा, ब्लैक बॉडी की नॉर्मल बॉडी? ब्लैक ज्यादा गर्म होगा। क्यों गर्म होगा? क्योंकि एक लाइट की सब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा बोलो, सब एब्जॉर्ब लेगा, और ये जो है कुछ एब्जॉर्ब करेगा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, एब्जॉर्ब करेगा तो सब अच्छा, बाद में जब इमिट करने की बारी आएगी तो कौन कौन इमिट करेगा बताइए फिर, ये कौन सा लाइट इमिट करेगा बाद में? सब एब्जॉर्ब किया तो सब इमिट करेगा ना? ये सब एब्जॉर्ब किया कि नहीं एब्जॉर्ब किया बोलो? नहीं किया, नहीं इमिट नहीं करेगा सब। समझ गए? नहीं समझ गए बोलो ना? तो कहानी यही होता है, ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर, एब्जॉर्ब करेगा तो सब और जब इमिट करेगा, जब टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का ज्यादा हो जाएगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब ठंडा होगा, जब जैसे आयरन को गर्म किया रेड हो गया, समझ रहे हैं? तो बाद में हाई रेडिएशन क्यों मीट करता है आयरन बताइए, गर्म होने के लिए कि ठंडा होने के लिए बोलिए? ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए, तो ठंडा होने के लिए जब वो मीट कर रहा है तो कौन सा कलर मीट कर रहा है, रेड की सब? सब 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 यही है। तो ऐसा मत सोचो कि हम लाइट गिरा तुरंत, और ये भी नहीं सोचना है कि लाइट गिरा तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया जब टेम्परेचर हाई है, लाइट ज्यादा आ रहा है एब्जॉर्ब करेगा, जब टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा बाद में जब ठंडा होना होगा तो मीट करेगा, ठीक है? बट एब्जॉर्ब करेगा तो सब और इमिट भी करेगा तो सब। समझे नहीं समझे बोलिए, बस यही कहानी होती, ठीक है? यही कहानी होती, ज्यादा थोड़े क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए? यस सर। तो यही है, यही ग्राफ है जो एनसीईआरटी में जो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी और लैम्डा का बताया, वो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया सर। वो ग्राफ ऐसे दिखाता है, एक लैम्डा की हर तरह का लाइट उसमें निकल रहा है, जैसे हम दिखाते हैं एक लैम्डा की हर तरह का लैम्डा का लाइट बोलो, लैम्डा में लैम्डा सब हर तरह का लाइट, और ये क्या दिखाता है, जिसका ज्यादा वही कलर, समझ गए बोलो? ये ना, तो जिसको ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को ज्यादा एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा ना वो? ऐसा कुछ नहीं है जी, जब सब एब्जॉर्ब कर लिया तो ज्यादा कम से क्या मतलब है, ठीक है? जो कलर दिखाई दिया उसको ज्यादा इमिट किया, एब्जॉर्ब तो सब करता था, एब्जॉर्ब करते समय कलर तुमको कैसे दिखाई देगा बताओ? जब सब एब्जॉर्ब कर लिया तो कलर दिखाई देगा बोलो? नो सर। बोलो, कलर कब दिखाई देगा, एब्जॉर्ब करते समय कि इमिट करते समय बताओ उनको? इमिट करते समय। तब एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन की जब बात करो तो कलर की बात मत करो, कलर की बात सिर्फ कब करोगे बोलो? मैक्सिमम एमिशन में, इमिशन इमिशन जब निकलेगा तब ना कलर की बात आएगी, एब्जॉर्प्शन तो कलर की बात नहीं आएगी, हमें ले खत्म होगा जब इमिट करेंगे तब, ठीक है? अब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हमें कहीं से कलर निकलवाना है तो क्या जरूरी है कि लाइटे गिरा तभी कलर आएगा, गर्म करें तो कलर नहीं निकलेगा बोलो? बोलो, ये से गर्म करने से भी होगा, क्योंकि गर्म करेंगे बेसिकली तो तुम पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो भी एनर्जी कॉल लेता है इलेक्ट्रॉन लेकर हाइयर सेल में चला जाता है, फिर जो नीचे आता है तो कलर निकलता है बोलो? यस। तो भाई देखो, कलर इमिट करने का तरीका यही है कि हम दे दिए एनर्जी फिर कलर इमिट करो अपना अलग, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है। जो हम ब्लैक बॉडी का ग्राफ बनाया वो कौन सा ग्राफ बनाया है, एब्जॉर्प्शन का कि इमिशन का बोलो? इमिशन का। एब्जॉर्प्शन का कैसे बना सकते हैं, मतलब दिख भी नहीं करेगा तो बनेगा, ठीक है?
चलिए क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ बोलिए। यस सर। यस सर। बस आपको यही ध्यान रखिएगा कि ब्लैक बॉडी कौन से नेचर को सपोर्ट करता है, पार्टिकल नेचर। ग्राफ ग्राफ समझ गए होंगे, हर तरह का लाइट निकला वो लाइट का कलर हमें दिखाई देगा जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, मतलब क्लियरली किसको सपोर्ट कर रहा है, पार्टिकल नेचर। सब लाइट निकला वो कलर दिखाई दिया, ज्यादा नंबर निकाल जाए। समझ गए बच्चे? बोलो।